नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम के लिहाज से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और ऐसे में क्या है ये बदलाव, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अंत तक आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। दरअसल जिस तरीके से ठंड की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अभी अगर हम अल सुबह की बात करें तो यहाँ पर तापमान में गिरावट देखने को मिली है, या फिर हम रात की बात करें तो तापमान में डेफिनेटली गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आप जरा सा सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मौसम विभाग ने फिलहाल के लिए अलर्ट जारी किया, और ये अलर्ट ठंड के लिए नहीं है बल्कि बारिश के लिए है। और आप समझिए कि बिन मौसम बरसात की वजह से किस तरीके से बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मौसमी बीमारियां वैसे ही प्रदेश में सक्रिय है। अगर हम बात करें, डेंगू जैसी बीमारियां भी फिलहाल देखने को मिल रही है, और इसी के साथ लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है, और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। और इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, और ये अलर्ट जो है 5 और 6 नवम्बर को लेकर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आखिर कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट भी जारी किया है। और देखिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में आपका ये जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, और अपना ध्यान रखना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा भी कई ऐसे राज्य है जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से वो राज्य है ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो 5 और 6 नवम्बर फिलहाल प्रदेश के लिए जो है काफी भारी रहने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर जाहिर किया गया है कि बरसात का दौर देखने को मिलेगा, और ऐसे किसानों की चिंताएं भी बढ़ सकती है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि बरसात जो है तकरीबन 3 से 4 दिन तक इसी तरीके से जारी रहेगी, तो ऐसे में किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते 3 तारीख से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। देखिए, मैं उन राज्यों का अगर जिक्र कर लूं, और ये 3 तारीख से इसकी शुरुआत होगी और तकरीबन 10 तारीख तक जारी रहने वाली है। इन राज्यों में है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा। ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है, तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी देखी जा रही है। और ऐसे में हम सिर्फ आपसे यही कहेंगे, आप अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।